शो का अगर सब्जेक्ट ही चेंज हो गया तो शो ही नहीं रहेगा, शो का सब्जेक्ट ही मेन ये है। तो अब तो बल्कि मेन अम्बा का स्ट्रगल शुरू होगा क्योंकि मन्नू बड़ा हो गया है, 7 साल हो गए अब। बहुत लोगों ने यकीन कर लिया है सिर्फ, अब वो और प्लॉट्स खेलेंगे ताकि पता चले। और अम्बा कैसे मनु को संभाल के रखती है और वो कैसे उसे शाह बनाती है, तो सिर्फ टाइम चेंज हुआ है, शो का सब्जेक्ट डेफिनेटली नहीं चेंज हुआ। अगर कुछ बदला है तो वो ऑब्वियसली जैसे अम्बा के कैरेक्टर में जो कॉन्फिडेंस है वो बदला हुआ है, क्योंकि 7 साल तक अगर एक ऐसा झूठ छुपाया जाए और वो भी सक्सेसफुली, अगर उसको इतने पॉइंट तक भी लेके जाया जाए कि वो बच्चा स्कूल जाता है और वो सब कुछ है, और वो ग्रेजुअल जो ग्रोथ है वो आप जरूर देखेंगे, वो जो अम्बा के कैरेक्टर का जो जर्नी है ऊपर जाने का, अम्बा का स्ट्रांग बनने का अपने हस्बैंड की तरह, वो आप जरूर देखेंगे। आप ऑब्वियसली अभी तक तो सबने मन्नू को गोद में देखा था, लेकिन आप मन्नू को शरारते करते देखेंगे, तो मन्नू की कहानी भी है ये ऑफ कोर्स, और मन्नू के एक्सपीरियंसेस, मन्नू के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यही है, मतलब यही तो यूएसपी हमारे शो की, एक वो एक बच्ची जो पैदा लड़की हुई थी लेकिन उसको हमेशा से माँ ने बोला कि तू लड़का है, पर अंदर से तो लड़की है, और वो उसको उसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या एक्सपीरियंस होंगे, उसकी क्या सोच होगी, वो नया देखने को मिलेगा। बाकी नया अगर जगन के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो जगन के पास कुछ पावर हुआ करती थी जो अब शायद छिन गई है, तो वो अब उसकी फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगी, अब उसकी डेस्परेशन देखने को मिलेगी। बेबे जो सास हुआ करती थी वो उसकी फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि अम्बा इतनी प्रोटेक्टिव है मन्नू को लेके कि किसी को आसपास नहीं आने देती उसके, तो बेबे का वो डेस्परेशन कि मैं पोता अपने सामने देखते हुए भी मैं नहीं कर सकती, तो वो जो डायनामिक्स है वो देखने को मिलेंगे आपको। हर कैरेक्टर, और अब तक तो कहानी काफी आगे बढ़ चुकी है, इनफैक्ट मन्नू के पैदा होने के बाद भी बहुत कुछ हुआ, बहुत ड्रामा हुआ दूसरे कैरेक्टर्स को, जैसे बाजवा हाउस में भी इतनी सारी चीजें हुई हैं, उन सब कैरेक्टर्स का भी आप कहानी प्रोग्रेशन देखेंगे, आप देखेंगे कि जो मन्नू के बड़ा होने से पहले जो जो उनके साथ हुआ, जो जो कह लीजिए जगन ने जो जो किया या किसी और कैरेक्टर ने किसी और के साथ किया, अब उसका रिप्रकाशन क्या होगा, 7 साल बाद सब करने क्या वाले, ये कहने को मन्नू की कहानी है लेकिन इसमें सारे कैरेक्टर साथ में चल रहे हैं, और सबकी सब की या तो ग्रोथ हुई है या तो कोई पीछे अपने गुस्से की वजह से, अपने एंगर की वजह से पीछे रह गया है, तो उसका दिमाग एक ही जगह पर अटक गया, तो वो देखने को मिलेगा, और वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमारे चैनल से और क्रिएटिव्स प्रोडक्शन हाउस में आर राइटर्स, दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से हम शूट कर रहे हैं और दिल से परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो देखने में तो मजा आएगा, बस अब लोग देखें। हम ये बता रहे हैं कि एक लड़की भी वारिस हो सकती है, और जैसा कि आपने अभी तक शो देखा होगा तो आई थिंक अम्मा को अगर बेटी भी होती तो वो उतनी ही खुश होती, और चरण भी आज अगर होते तो वो भी इतने ही खुश होते, लेकिन वो जो सिचुएशन थी अम्बा की, और जो चरण चाहते थे कि वो गांव में अमन हो, वो अपने पति का सपना पूरा करने के लिए ये सब कर रही है क्योंकि उसकी बेटी को मार दिया जाएगा, तो ये डेफिनेटली हम प्रीच नहीं कर रहे कि एक माँ को झूठ बोलना था, और एक माँ मुझे ऐसा लगता है कि झूठ तो क्या इस दुनिया की हर चीज कर सकती है अपने बच्चे को बचाने के लिए, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो लोग देखेंगे उनको ये समझ में आएगा जब वो मन्नू को देखेंगे कि मन्नू है तो लड़की, पर आगे जाके मन्नू वो सब कमाल करेगी जो वो शाह करता है, तो पता चलेगा कि एक लड़की कम नहीं होती, एक लड़का जरूरी नहीं है वारिस होने के लिए, लड़की भी वो सब कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है।